हेलो एवरीवन, आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ पनीर का पराठा। बहुत टेस्टी बनी थी, तो बहुत टेस्टी भी है, हेल्दी भी है। तो देखिए बन के तैयार हो गया है। झटपट बनाना था तो बच्चों के टिफ़िन के लिए मैंने इसको बनाया था सुबह सुबह। तो ये देखिए, आप पनीर अपने हिसाब से आप ले लीजिए। तो मैंने 400 ग्राम पनीर लिया हुआ था, तो मैं टिफ़िन के साथ साथ फैमिली के लिए भी मैंने बनाया था। तो अपने हिसाब से आप ले लीजिए कितना आपको चाहिए, अपने अकॉर्डिंग, अब फैमिली के अकॉर्डिंग। तो झटपट बनाना था तो पहले मैंने पनीर को इस तरह से क्रश कर लिया। आप हाथ से भी कर लेंगे तो आसानी से वो टूट जाता है। मैंने लेकिन घस लिया था ताकि उसका एक भी मतलब अच्छी तरह से घिस जाने से क्या होगा, उसका क्रम्स पूरा अच्छी तरह से मैश हो जाता है। तो पूरी तरह से मैश कर लेना है। तो उसके बाद उसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं और कुछ सब्जियां भी ऐड करनी है। सब्जी अपने हिसाब से आप ऐड कर लीजिए। मैंने प्याज डाला है, प्याज को आप स्किप कर सकते हैं अगर बच्चे नहीं खाते हैं तो। धनिया डाला है, बच्चे जो खाते हैं उसको डालिए, नहीं खाते तो स्किप कर लीजिए। आप चाहे तो इसमें मटर को भी मैश करके डाल सकते हैं। और अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट डाला है, नमक डाला है, कुछ थोड़ा सा मसाला डाला है। तो इसमें अपने हिसाब से ही आप डालिएगा। जीरा धनिया का पाउडर डाला है मैंने और थोड़ा सा पिंच भर इसमें हल्दी डाला है। अजवाइन ज़रूर डालिएगा क्योंकि किसी भी चीज़ में तेल मसाला का जो भी सामान बनता है उसमें अजवाइन जो होता है ना, डाइजेशन का अच्छा काम करता है। तो अजवाइन डालना कंपलसरी है, स्किप मत करिएगा उसको। तो इस तरह से अच्छी तरह से इसको मैश कर लीजिए। ये देखिए पनीर का ये तैयार हो गया है। अब आटा मैं लगाऊंगी, तो आटा के लिए अपने हिसाब से आप आटा रख लीजिए। मैंने 1.5 कटोरी आटा लिया है और उसमें नमक मैं डाल दूँगी और साथ में थोड़ा सा अजवाइन डाल दूँगी हाथ को क्रश करके इस तरह से। और अजवाइन डालने के बाद इसको नॉर्मल पानी से इसको गूंथना है। और आप अगर तेल डालना चाहें तो 2 चम्मच इसमें हल्का सा गुनगुना तेल डाल दीजिएगा और इस तरह से इस डोर बना लेना है। तो नॉर्मल पराठे का डोर जैसा होता है ना, बस उसी तरह से ये देखिए डोर बन के तैयार हो गया। अब बस इसको लोइया मैं थोड़ा सा इसको बड़ा रखूँगी क्योंकि इसमें मुझे पनीर का स्टफिंग भरना है। तो ये देखिए उस भरने के लिए थोड़ा सा डो इसका जो लोई है मैं थोड़ा सा बड़ा रखूँगी। तो इस तरह से, क्योंकि जो नॉर्मल रोई हो तो थोड़ा सा छोटा ही रहता है, थोड़ा सा बड़ा रखा है मैंने। तो इस तरह से इसको भरना है। सर कटोरी का शेप डाल दीजिए और इसमें मैंने अच्छा से ज़्यादा से इसमें डाला है 3-4 चम्मच। आप चाहे तो कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, लोई भी छोटा बना सकते हैं। तो मैंने इसमें भर के डाला है अच्छा से। स्टफिंग ध्यान रखिएगा, थोड़ा कटोरी शेप में रखिएगा और दबा के डालिएगा तो स्टफिंग बाहर नहीं आएगा। इस तरह से चम्मच की सहायता से इस तरह से दबा दीजिएगा ना, तो ये देखिए अच्छी तरह से ये भर जाएगा और दब जाएगा तो ये बाहर फटेगा नहीं। और थोड़ा सा इस तरह से प्रेस कर दीजिए और मैं इसी तरह से 1-2 स्टफिंग का ये लोई बना के तैयार कर दूँगी पहले से। और उसके बाद एक तरफ तावा मैंने गर्म करने के लिए रख दिए हैं, फटाफट बनाना है क्योंकि सुबह का टाइम है। तो इस तरह से टिफ़िन के लिए मैंने बनाया है, बच्चों के टिफ़िन के लिए। तो आप झटपट बना सकते हैं या फिर रात के खाने में आप इसको बना सकते हैं। तो बहुत आसानी से बन जाता है, हेल्दी भी है, टेस्टी भी है। तो इस तरह से आप भर भर के बनाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1-2 पराठे के लिए ये बहुत अच्छा रहता है, बच्चों के टिफ़िन के लिए 2 पराठे में बच्चे के लिए हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए मैं बना लूँगी इसको। धीरे धीरे करके बेलना है ताकि जो पनीर का मिश्रण है वो बाहर ना आए, तो हल्के हाथों से ही इसको आपको बेलना होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए ज़्यादा बड़ा मैंने नहीं बनाया है और तावा ऑलरेडी गर्म हो चुका है। तो इस तरह से इसमें डाल देना है और डाल के अलट पलट करके सेकिएगा। तो आप घी बटर जो आपको पसंद है वो डाल सकते हैं या फिर नॉर्मल, आपको अगर घी बटर पसंद नहीं है तो नॉर्मल सादा भी आप सेक सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगेगा। तो आप चाहें तो देसी घी भी इसमें लगा सकते हैं, रिफाइंड तेल जो होता है वो लगा सकते हैं, आपको जो पसंद है वो लगाइए। और अलट पलट करके इसको नॉर्मल अच्छी तरह से दबा दबा के सेकना है ताकि कच्चापन इसका ख़त्म हो जाए और लाल एकदम अच्छा से सेक दीजिए। और देखिए कितनी अच्छी तरह से ये सीख रहा है, बस इस तरह से दबाते हुए इसको सेकना है। और देखिए बन के तैयार हो गया। आप इसको अचार, दही, चाय, किसी भी चीज़ के साथ या फिर आलू का सब्जी के साथ, कढ़ी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ, टमाटर की चटनी बनाइए। बहुत सारा मैंने आपको वीडियो बना के दिखाया। आप किसी भी चीज़ को आप मेरे वीडियो से लेके देख के बनाइए और उसके साथ इसको खाइए। हर चीज़ के साथ ये जाएगा या फिर नॉर्मल चाय के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। तो बच्चों के टिफ़िन के लिए आप टमाटर की चटनी के साथ इसको दीजिए और सर्व करिए गर्मा गर्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसी तरह से मेरे वीडियो को प्यार देखते रहिएगा। बाय।